हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं घूमने जाने की, ये देख सकते हैं जो ये राजा है ना, ये इधर खड़ा होके थोड़ा सा मुंह इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है वो, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ इसलिए आपको दिखा सकती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं छिप रहा है वो, ये देखिए है ना। और कपड़े भी नहीं पहने हैं, दिन भर से ऐसे ही घूम रहा है नंगा पुंगा। और आज दोस्तों मैं मेला घूमने जाने की तैयारी में थी, क्योंकि हमारे कानपुर के जेके मंदिर में मेला लगा हुआ है जन्माष्टमी से। तो मैंने आज प्लान बनाया था कि मैं आज मेला देखने जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मतलब 5 बजा वैसे ही पानी बरसने लगा तो सारा मेरा प्लान था दोस्तों सब वो गड़बड़ हो गया। और आप लोग देख सकते हैं मेरा गला फिर से बैठ गया है, क्योंकि मेरे थायराइड की वजह से मेरे गले में दिक्कत रहती है। और आप लोग जानते ही, क्योंकि मैं सिर्फ दवा खाती हूँ, दवा खा के तब मैं काम करती हूँ, दवा खाती हूँ तब मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब ज़िंदगी मेरी दवाई पे चल रही है, आप लोगों को क्या बताएं। और राज भी हो गए हैं कैद आज, क्योंकि वो अपना घूमने जाते हैं शाम को मम्मी के घर पे। क्या है, मस्ती करनी है तो इसमें करो ना, ब्लॉग में हमारे करो। देख सकते हैं आप, मतलब ऐसे लग रहा है वो फर्श तोड़ डालेगा, पागल पागलपंती कर रहा है। और राज घूमने जाने वाले थे मम्मी के घर पे, लेकिन वैसे भी वो जाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि पानी बरसता रहा, इसलिए पानी बरसने की वजह से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मेरा गला ख़राब हो गया है दोस्तों। उस दिन मैं चिड़ियाघर घूमने गई थी तो वहाँ बाहर का पानी पी लिया था, इसलिए मुझे बाहर का पानी बिल्कुल सूट नहीं करता है और इसीलिए मेरा गला ख़राब हो गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं मेला देखने जा रही थी, तो आज मेरा मेला देखने का जो प्रोग्राम था वो भी कैंसिल हो चुका है, इसलिए मैं मेला देखने नहीं जा पाई। और पहली बात तो राजा भी नहीं तैयार हुआ, राज भी नहीं तैयार हुए और पानी भी बरसने लगा। तो हो सकता है दोस्तों मैं कल जाऊं, क्योंकि मेरी शिवराजपुर से मेरी टीम आएगी, अगर आएगी तब जाएंगे, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी, क्योंकि उन लड़कियों का नाम है शिवानी शिखा, जो वहां से आएंगी। अगर आएंगी तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर दिखलाऊंगी। और दोस्तों शाम से लाइट भी नहीं आ रही थी, मतलब 3-4 बजे के करीब लगभग लाइट चली गई थी, तो लाइट अभी आई है। और चाय वाय हम लोग पी चुके हैं, और क्योंकि मुझे सब्जी बनानी नहीं है, क्योंकि सब्जी मैंने दोपहर में बनाई थी, क्योंकि मेला जाने के चक्कर में फिर लौट के आओ फिर थक जाओ, फिर नहीं बना सकते हैं, इसलिए टाइम भी हो जाता, तो इसलिए मैंने कहा लाओ आज थोड़ी सब्जी ज़्यादा बना लूँ। जब मैंने आज ज़्यादा बनाया तो आज जा ही नहीं पाए, और राज भी कैद हो गए हैं। और मैंने सोचा शॉर्ट वीडियो भी बनाओ, तो मैं शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाई, अब देखती हूँ कोशिश करती हूँ बनाने की, तो मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊँगी दोस्तों। और आज राजा भी कहीं नहीं घूमने जा पाया, क्योंकि पानी इतना बहुत ज़्यादा पानी बरसा है दोस्तों, फिर आज भरने लगा था। अब अंधेरे की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, और थोड़ा बहुत भी दिखा भी सकती हूँ मैं आप लोगों को। सकते हैं दोस्तों राज कूलर में पानी भर रहे हैं और पानी से होकर जा रहे हैं, क्योंकि मतलब पानी बरसने से हमारे आंगन में दिक्कत थोड़ी हो जाती है। और आप देख सकते हैं दोस्तों माल भी भीग रहा है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ आंगन में पानी भर जाता है, क्योंकि अब थोड़ा धीमा हो गया है तो पानी निकल गया है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। ये देख सकते हैं राज हमारे पानी में जा रहे हैं।
और आज मिट्ठुओं को जल्दी अंदर कर लिया गया है, क्योंकि ये मिट्ठू हमारे बाहर अंधेरे में चुपचाप बैठे थे, अब यहाँ कुछ बोल भी रहे थे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे ये। तो देख सकते हैं अब इनके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, किसी के पास हो तो इनको ला के दे दीजिए प्लीज़ आप लोग। दे दो ला के। और ये देखो पानी कूलर में पानी डालते डालते भीग चुके हैं, आज कहीं जाने को नहीं मिला, आज इनको कहीं दोस्तों जाने को नहीं मिला है, बोल रहे हैं कि बहुत गलत टाइम पे पानी बरसा है तो कहीं जा मतलब जा नहीं पा रहे हैं। और मेला भी ऐसे ही टाइम पे लगा हुआ है दोस्तों कि बहुत तेज पानी बरस रहा है, सब मेला वेला सब बेकार हो गया होगा ना। जाओ बेटा मेरा कह रहा जाओ 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 जाओ, जाते तो पानी ना बरसता तो जाते जरूर। जाओ मेला जाओ, बता रहे हैं, बता दो मेला जाएंगे मेले चलोगे मोहल्ले में चार मोहल्ले में टहली आई। तुम नहीं जाओगे? चलोगी मेला तो? नहीं, जब तुम नहीं जाओगे तो कोई ना कोई तो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये पागल है लड़का, इसका मुंह मैं बंद कर दूंगी, ये देख सकते हैं इसका मुंह बंद कर दूँ इसका, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मुझे रोटी बनानी है, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि सब्जी मेरी रखी हुई, आज बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी दोस्तों। किस चीज़ की सब्जी बनाई थी आज? बेसन की सब्जी बनाई थी। आठ बज गया तो बज ही जाएगा, तो रोटी बनाएंगे। बतासा खाए मन हो रहा इनका दोस्तों, बतासा खाने का मन कर रहा है इनका। गोलगप्पे बतासे पानी पूरी जो भी बोल पाओ सबके, पटाखे एक चीज का मतलब अलग अलग नाम है हम, और इनके बुआ की तरफ कहते हैं पटाखे कहते हैं। नहीं तो हम गए थे तो नहीं बोल रहे थे पटाखे, गोलू के पटाखे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि इसके पास बैठना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, राज हमारे बाल बाल काट चुके हैं, ये देख सकते हैं तैयार हो गए हैं। क्या कर रहे हो? मूछें काट रहे हैं। मूछें अपनी सेट कर रहे हैं। और आज शॉर्ट वीडियो नहीं बनाओगे? आज ये अपनी शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे हैं, और देखते हैं फिर क्या होता है आगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए दोस्तों, और अब मैं कुछ तैयारियां करती हूँ। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:30, मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने, और क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, सबको लग गई है भूख, और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और आप लोग भी आइए खाना खाइए आके, क्योंकि पानी अभी भी बरस रहा है दोस्तों, पानी बरसना अभी बंद ही नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो आप लोग भी खाना खाने आइए, मैं बनाने जा रही हूँ रोटी।